बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द फेडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस आर्टिकल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कुछ यूँ हैं कि यू शुड बी एबल टू आर डिफाइन द फेडल क्राफ्ट रिएक्शंस अलोंग विद इट्स टाइप्स यू शुड नो दैट व्हाट आर फेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन यू शुड Uh, quote its examples, you should be able to explain the mechanism of craft alkylation reaction. You should be able to convert the benzene into toluene, ethyl benzene and isopropyl benzene. Uh, the second type of the craft reactions, uh, they are craft acylation reactions. So, you should be able to defi define the second type of the a reaction giving examples, you should be able to explain its mechanism, and you should be able to convert benzene into acetophenone and in benzophenone. So electrophilic fatal craft reactions you have. Uh, these are the electrophilic substitution reactions. Just benzene one hydrogen ek alkyl group. या असाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाती है आ, ये रिएक्शन जो है वो नाइनटीन एटीन सेवेंटी सेवन में आ, दो साइंटिस्ट ने जो है वो डिवेल्प किए थे ये दोनों साइंटिस्ट क्लोज फ्रेंड थे वन वाज द फ्रेंच चार्ल्स फ्रेट, फ्रेटल और दूसरे अमेरिकन आ, जेम्स क्राफ्ट्स तो हम देखते हैं कि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है मैंने अभी आपको बताया कि फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन आर दो विच द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन बाय एन अल्काइल ग्रुप एंड असाइल ग्रुप तो इस लिहाज से फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स के हैं दे आर दल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन व्हाट इज़ द फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अलकाइल ग्रुप इन देंसीन रिंक इज नोन एज द फेडर क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ये रिएक्शन कैसे आकर करता है जब हम बेन्सिन को एक अलकाइल हलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंसिन रिप्लेस बाई अल्का रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस की प्रेजेंस में secondly the freidel craft acylation the reaction which involves the substitution of an acyl group in the benzene ring is known as the freidel craft acylation reaction ye reaction kap hota hai jab hum reaction ko ek acid halide ke sath jo hai wo react karte hain in the presence of aluminium chloride catalyst तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों reaction anhydrus एलुमिनियम क्लोराइड कैटल्स की प्रेजेंस में हो रहे हैं तो हम इन दोनों रिएक्शन को वन बाय वन स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन सो फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इज वन इन विच वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग ज सब्सटीट्यूटेड आर रिप्लेस बाय द अल्काइल ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से आएगा ये अल्काइल ग्रुप अल्काइल हेलाइट से आएगा तो ये रिएक्शन आकर करता है जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं अल्काइल हेलाइट के साथ इसमें एलोमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट है विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेविस एसिड तो आप जिस अल्काइल हेलाइट को बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस अल्काइल अलकाइट का अल्काइल ग्रुप इनफैक्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा लेकिन इसमें कुछ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हैं इफ़ देर आर प्रेजेंट मोर देन टू कार्बन एटम इन द अल्काइल अल्कालाइट तो इस रिएक्शन में क्या होगा हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन विल रिएक्ट विद द क्लोरीन फार्मिंग एच सी एल एंड दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाई द अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मिथाइल ग्रुप एंड फार्मिंग द मिथाइल बेनजीन या जिसको हम टाल भी कहते हैं सो इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द हाइड्रोजन बाई द अलकाइल ग्रप एंड रिएक्शन इज नोन एज द फ्राफ्ट अलकाइलेशन रिएक्शन 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 इनवाल्व द एलोमियम क्लोराइड एज द कैटल तो इसमें जो अलेक्ट्रोफाइल होगा दिस इज अ काबो केटाइन ता, के ये काबोकेटाइन जो है वो कैसे बनता है जनरल मैकेजम जो है वो सेम होगा तो इसकी एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एलोमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट तो बेंजीन की ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके एच बना लेगी और इथाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फार्मिंग द इथाइल बेंजीन सो so वेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एलोमियम क्लोराइड कैटलिस दिस विल रिजल्ट इन द फार्मेशन ऑफ इथाइल बेंजीन अगर बेंजीन को एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट तो ऐसी सूरत में एन प्रोपाइल जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करेगा लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये माइनर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में ये एन प्रोपाइल ग्रुप जो है वो रीअरेंज हो जाता है इनटू द आईसो प्रोपाइल ग्रुप उसकी वजह जो है वो ये है कि इसमें जो काबोकेटाइन इन्वॉल्व होता है वो सेकेंडरी काबोकेटाइन जो है जो कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन यानी अगर हम एन प्रोपाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं तो मैकेनिज्म के दौरान जो है वो ज़्यादा स्टेबल जो है वो सेकेंड्री काबोकेटाइन में कन्वर्ट होगा एंड दैट सेकेंड्री कार्बोकेटाइन विल बी सब्सिट्यूटेड इन द बेंजीन रिंग तो इस तरह बेंजीन को अगर हम एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट विल गेट टू प्रोडक्ट्स द मेजर प्रोडक्ट विल बी द आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी द एन प्रोपाइल बेंजीन तो इस रिएक्शन का देख रहे हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व थ्री स्टेप फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कब से जनरेट होता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट विद द रिएक्टेंट सपोज कीजिएगा कि हम मिथाइल क्लोराइड को एलुमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट कंपाउंड है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए मिथाइल क्लोराइड में से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करेगी इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एलुमीनियम फॉर्मिंग ए एल सी एल फोर ए नाइन विच एक्ट एज द बेस एंड सी एच थ्री बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट एंड बिकम्स मिथाइल कार्बोकेटाइन ये मिथाइल कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल है सेकेंड स्टेप में बेंजीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पे यूज करेगी इस काबो केटाइन के साथ बांट फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर पहले जो इन दो कार्बन के दरमियान था अब इस कार्बन और का, और मिथाइल ग्रुप के, के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा यानी ये इस कार्बन और मिथाइल ग्रुप के साथ दरमियान नया बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज अप हो जाएगा एज रिजल्ट ऑफ विच द एडजस्टन कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज दिस रिजल्टिंग कम्प्लेक्स आइन विच इज इनफैक्ट काबोकेटाइन इज नोन एज द काबोकेटाइन कम्प्लेक्स और इस काबोकेटाइन कम्प्लेक्स में जो डीलोकलाइजेशन जो है वो पार्शली जो है वो खत्म हो चुकी है बट इट इज स्टिल स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेकंड सॉरी थर्ड स्टेप में ये ए एल फोर ए में एक क्लोराइड आइन अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज करेगा इस हाइड्रोजन के साथ बांध फॉर्मेशन में फार्मिंग एच सी एल क्लोराइड कैटलिस रीजनरेट हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के दरमियान फार्मिंग द मिथाइल बेंजीन या डालवीन स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं आइस एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ तो ऐसी सूरत में जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो क्यों है तो जब एन प्रोपाइल क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज़ करेगा एल सी एल थ्री के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में फार्मिंग एल सी एल फोर माइनस ए नाइन अब ये जो पायम्बी काबोकेटाइन बना है सी एच ये प्राइमरी काबों के टाइम लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी काबों के टाइम तो इस पर ये प्राइमरी काबों के टाइम जो है इट अंडरगो द रीअरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ये सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन में जो है वो शिफ्ट होगा जिसके नतीजे में अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर टू पे आ जाएगा दैट इज ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि लेस स्टेबल था अब मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा अब बेंजीन रिंग अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज करेगी इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड फार्मेशन विच सेकेंडरी कार्बन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोप्रोपाइल बेंजीन now the friedel acylation reaction friedel acylation reaction is one in which hydrogen atom of the benzene ring is replaced by an acyl group is reaction major reactant jo hai, this is acyl halide like acyl chloride catalyst is aluminium chloride or acylum ion catalyst so in general jab hum benzene co इस एसाइल हेराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये एचियल बना लेगी और जो रिजल्टिंग असाइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा फार्मिंग द फार्मिंग द प्रोडक्ट सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट विच इज अ कीटोन अब इस रिएक्शन की एग्जांपल देखिएगा कि जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो बेंजीन की ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलके एच बना लेगी और ये जो एसीटाइल ग्रुप है एसीटाइल ग्रुप जो है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फार्मिंग द एसीटोफिन एच सी एल विल बी द बाई प्रोडक्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ and hydrous aluminum chloride air catalyst so when benzene is reacted with acetyl chloride in the presence of aluminum chloride catalyst hydrogen atom of benzene is replaced by the acyl, uh, ye acetyl group या इसको असाइलियम आइन जो है वो आप कह लीजिए रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिन एंड एच सी एल अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए देर आर थ्री स्टेप्स इन्वाल्व इन द मैकेनिज्म द फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ अलेक्ट्रोफाइल तो सबसे पहले ये एसिटाइल क्लोराइड एलुमीनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एलुमीनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड तो इसलिए ये क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज करेगा इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द ए एल सी एल थ्री फार्मिंग ए एल सी एल फोर ए नाइन विच एक्ट एज द बेस दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन डबल बॉन्ड ओ प्लस आबल बिच इज असाइलियम आइन असाइलियम आइन इस रिएक्शन के लिए जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है अब बेंजीन रिंग जो है इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद अ पॉजिटिवली चार कार्बन ऑफ द असाइलियम आइन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इस असाइलियम आइन की कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ तो एडजस्टन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम कम्प्लेक्स विच इज द इलेक्ट्रोफिनिक कम्प्लेक्स विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज लेकिन इसमें अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन नहीं है आखिरी स्टेप में ये ए एल सी एल फोर ए बेस के तौर पे ऐड करेगा यहाँ पे एक क्लोराइड आइन अपना इलेक्ट्रॉन पे यूज करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फार्मेशन में फार्मिंग एच सी एल क्लोराइड कैटलिस इज रीजनरेटेड जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन द टू कार्बन एटम इन दिस वे एरोमेटिक कैरेक्टर इज रिस्टोर फार्मिंग द एसिटोफिन तो